कक्षा दस में कक्षा दस का साइंस का कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, आज से हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? कार्बन एवं उसके यौगिक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीजों को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में जो है क्या आएगा, आईयूपीएससी नामकरण आएगा। क्या आएगा? आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग ये समझिए कि आईपीएससी नामकरण होता क्या है। तो इसको समझने से पहले ये समझिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। हाँ, अब देखिए आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिख देंगे। ठीक है, आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। ठीक, आई से हो गया इंटरनेशनल। ठीक, और यू से क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा यूनियन। यू से क्या हो जाएगा? यूनियन। और पी से क्या होता है? प्योर होता है। पी से क्या होता है? पी से क्या होता है? प्योर। सही दिख रहा है ना, एकदम साफ सा। पी से प्योर होता है। और ए से क्या होता है? ए से हो जाएगा अप्लाइड। और सी से क्या हो जाएगा? सी से केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक, सी से क्या हो जाएगा? सी से हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया? आईपीएससी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए एंड हम लगा देंगे। ठीक, क्या लगा देंगे? एंड। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर, सॉरी यहाँ पे नहीं, प्योर के यहाँ पे हम लगा देंगे एंड। ठीक, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इतना हो गया ना। आईपीएससी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए कि आगे क्या होगा। देखिए, कार्बन की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो कौन सी खासियत है? देखिए, कार्बन जो है वो लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक, कार्बन जो है वह लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे ढेर सारे कार्बन इस प्रकार से ऐसे करके जुड़ सकते हैं, लंबी श्रृंखला, बहुत लंबी श्रृंखला यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे थी कार्बन जो होता है, इसकी वैलेंसी को पहले समझ लीजिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो कल बताया गया था ना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। मतलब कि जब कार्बन की वैलेंसी चार होती है तो कार्बन कितना बंध बनाएगा? केवल चार ही बंध बनाएगा। ठीक, कार्बन केवल चार ही बंध बनाएगा, चार से ज्यादा बंध नहीं बना सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज को याद कर लेंगे। वो क्या होता है? देखिए, कार्बन क्या है? एक कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? मेथ कहलाती है। ठीक, एक कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? मेथ। और दो कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? एथ कहलाती है। और तीन कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रोप कहलाती है। ठीक, तीन कार्बन की श्रृंखला प्रोप हो गई। और चार कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? ब्यूट कहलाती है। ठीक, इसको कैसे याद कीजिए? जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है ना, उसी प्रकार से इसको भी हम याद कर लेंगे। चार हो गया, चार के बाद पांच कार्बन आएगा, तो पांच कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाएगी? पेंट कहलाएगी। ठीक, पांच कार्बन की श्रृंखला क्या हो गई? पेंट हो गई। और छह कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? छह कार्बन की श्रृंखला हेक्स होती है। क्या होती है? हेक्स होती है। और सात कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? हेप्ट होती है। क्या होती है? हेप्ट। और आठ कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाएगी? ऑक्ट। क्या होती है? ऑक्ट। ठीक, और नौ कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? नोन। और दस कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है? डेक कहलाती है। ठीक है, सही से दिख रहा है कि नहीं? मतलब कि ये इसमें जो है स्याही कम है, तो सही दिख रहा है? हाँ, देखो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना चीज तैयार कर लेंगे। ठीक है, इतना तैयार होना चाहिए, और इतना जो है कल बताया भी गया था, बताया गया था कि नहीं? बताया गया था ना।
इतना तैयार कर लीजिए पहली बार, ठीक। तो आप सभी लोग भी इसको जो है कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब आगे क्या होगा, अब हम धीरे धीरे आईपीएससी नामकरण में आगे बढ़ रहे हैं, इतना याद हो जाएगा तो आईपीएससी नामकरण एकदम आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को आगे मिलेगा सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स के लास्ट में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, एन हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होता है, आइन हो जाता है, क्या हो जाता है, आइन हो जाता है, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब आगे देखिए, इतना चीज तैयार हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार से इतना चीज तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम ले लें, कोई भी एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल को लेने से पहले आप सभी लोग इसको भी समझिएगा कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो क्या, संयोजकता, क्या संयोजकता, ठीक, संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है, कितनी होती है, चार होती है, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, बताइए क्या, हाइड्रोजन की संयोजकता जो है ये एक होती है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, दो होती है, ठीक। और देखिए इतना चीज तो कम से कम आप सभी लोगों को तैयार होना ही चाहिए, ठीक है, इतना चीज तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की चार, हाइड्रोजन की एक, ऑक्सीजन की दो, ठीक। अब संयोजकता किसे कहते हैं, कोई भी तत्व जितना ज्यादा बंध बनाएगा वही क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, ठीक। मतलब कि कोई भी बंध जितना ज्यादा, अधिकतम से अधिकतम जितना बंध बना सकता है वह उसकी क्या है, संयोजकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ये कितना बंध बना सकता है, चार बंध, मतलब कि कार्बन कितना बंध बना सकते, चार बंध ना, कार्बन से चार लोग अटैच हो सकते हैं, और हाइड्रोजन से केवल एक ही लोग अटैच हो सकते हैं, ऑक्सीजन से केवल दो ही लोग अटैच हो सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी, ठीक। और देखिए जैसे कि कुछ छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें आप सभी लोगों के लिए, एकदम बेसिक क्लास है ये आईपीएससी नामकरण का, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जैसे कि C2H6 अगर हम ले लें और आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए कि इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा, क्या होगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान सवाल यही होता है आईपीएससी नाम में, C2H6 इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा। देखिए पहले देखेंगे कार्बन की श्रृंखला कितनी है, कितना कार्बन है बताइएगा, C2 लिखा है ना, तो दो ही कार्बन है, तो दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया, ठीक। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताया गया है, कितनी होती है, चार होती है, एक दो तीन चार, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे भी कार्बन है तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिए, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार ही क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है ये चार ही तो होती है, इसीलिए इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है ये और ये आपस में जुट जाएंगे, देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आपस में जुटते हैं, ठीक। जब अकेले होते हैं तो वही आपस में जुटते हैं, लेकिन जब दो लोग हो जाते हैं तो उनकी जोड़ी बन गई तो वह आपस में नहीं जुटते हैं, ठीक। हाइड्रोजन इसके साथ कितना है, हाइड्रोजन जो अच्छा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, तो जब हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक। बात खत्म, इतना हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में इतना। अब आगे देखिए, एक दो तीन, हाइड्रोजन कितना हुआ, तीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो है कितना हाइड्रोजन बचा, तीन हाइड्रोजन बचा है ना, तीन ही तो बचा, तीन बचा, तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कार्बन कितना बंध बनाया है, चार बंध, अब कैसे चार बंध बनाया, तो यहाँ पे कार्बन है ना, एक बंध यहाँ से आ गया, एक बंध यहाँ से आ गया, दो होगा ना, अब ये यहाँ से आ गया तीन होगा, अब ये यहाँ से आया चार बंध हो गया, ठीक। कार्बन भी देख लीजिए, एक यहाँ से आया कितना हो गया, एक,
एक यहाँ से आया दो हो गया, और एक यहाँ से लिया कितना हो गया तीन हो गया, और एक यहाँ से आया चार ही तो हुआ चार हो गया ना। हाइड्रोजन देखिए अधिकतम से अधिकतम कितना बंध बनाया है, एक ही बंध बनाया है ना। हाँ इसके यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं है ठीक, इसीलिए अब ये हाइड्रोजन ये भी ऐसे बनाया है, ये हाइड्रोजन भी एक ही बनाया है ना। तो अब समझिएगा अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज बन गया तो अब यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है, एक दो दो कार्बन है ना, दो कार्बन है तो दो कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है बताइएगा, एक कहलाती है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, बस इतना हो गया। देखिए हिंदी में हम एक ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम नहीं लिखेंगे ठीक है, नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी, इसीलिए हम हिंदी में हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख रहे हैं ठीक, हिंदी में हम नहीं लिखेंगे। एथ हो गया, दो कार्बन की श्रृंखला एथ हो गई ठीक, एथ होगी। उसके बाद देखिए बंद कौन सा है, बंद जो है क्या है, देखिए बंद जो है सिंगल बंद है ना, बंद सिंगल बंद है तो लास्ट में क्या आएगा एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो एथ एन हो गया ठीक। एथेन हुआ कि नहीं, एथेन हो गया ना। अगर परन पूछ लिया जाए कि C2H6 का IPSC नामकरण क्या होता है तो क्या बताओगे, एथेन। हाँ अब देखिए अगर पूछ लिया जाए C2H4 का IPSC नामकरण क्या होता है तो ये पहला है ठीक, और ये कहता है ये जो है दूसरा है ठीक, पहला हो गया दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न बन रहा है कि C2H4 का IPSC नामकरण क्या होता है तो क्या बताओगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम संरचना सूत्र बना लेंगे ठीक, संरचना सूत्र बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए C2H4 है ना, दो कार्बन की श्रृंखला है तो क्या हो गया मेथ एथ, एथ हो गया ना, एथ यहाँ पे हो रहा है एथ हो गया ठीक। अब कहोगे कि तो तब इसका IPSC नामकरण क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ये तो कहोगे जिसको नहीं पता होगा यही तो कहेगा, लेकिन ये चीज पूरी तरीके से गलत है। तब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे C2 है ना, इसीलिए यहाँ पे काम पड़ा है कि यहाँ पे संरचना सूत्र बनाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे संरचना सूत्र बनाया जाएगा ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखिए अब आगे क्या किया जाएगा, देखिए कार्बन कितना बार है, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन की श्रृंखला बना दीजिए, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, कितना हो गया ना, बैलेंसी कितनी होती है एक कार्बन की, चार होती है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, चार बार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चार ही बार तो है, हाइड्रोजन चार बार है तो एक हाइड्रोजन जो है इसको ऐसे यहाँ से जोड़ दीजिए ठीक, और एक हाइड्रोजन को यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे हम ठीक, इतना हो गया। अब आगे क्या किया जाएगा देखिए, अभी दो हाइड्रोजन और बचा है, कार्बन भी ऐसे करके जोड़ दीजिए, तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जोड़ देंगे ठीक, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो गया चार हाइड्रोजन हुआ कि नहीं बताइएगा, चार हाइड्रोजन हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये और ये बचा ना, बच गया है ना ये और ये बच गया, तब ये क्या करेंगे, ये भी अकेला है ये भी अकेला है, तब दोनों की क्या हो जाएगी, मिलन हो जाएगी ठीक, मिलन करा रहे हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध बना, दो बंद हो गया ना, यानी कि डबल बंद हो गया। तो डबल बंद देखिए कंडीशन में इन लास्ट में आता है, क्या आता है इन आ जाता है ना, तो क्या हो गया मेथ एथ, एथ हो गया ठीक, एथ हो गया, लास्ट में क्या आ जाएगा ई एन ई, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं, समझ में आया ना। देखिए डबल बंद यहाँ पे बन गया ना, तो जब डबल बंद बनता है तो जब डबल बंद बनता है तो लास्ट में इन आ जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में इन आ गया है ठीक। और अगर प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए कि C2H2 का IPSC नामकरण बताइए, किसका C2H2 का ठीक है, किसका C2H2 का, C2 तीसरा प्रश्न है, C2H2 का IPSC नामकरण बताइए, बता दोगे, बता दोगे ना, कैसे बताओगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा, हाँ संरचना सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा तब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बना देते हैं, यहाँ कितना कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे ठीक, हो गया ना। बैलेंसी लिख दीजिए, सबको पता है कि कार्बन की बैलेंसी चार ही होती है, चार होती है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ठीक, कितना हो गया, पहले कार्बन कार्बन सिंगल बंद से जोड़ देंगे ठीक, जुड़ गया। अब आगे क्या होगा,
हाइड्रोजन कितना बताइएगा, हाइड्रोजन जो है दो ही बार तो है, कितना बार है, हाइड्रोजन दो बार है ठीक। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देंगे एक कार्बन के साथ ठीक। अब ये वाला, अब ये अकेला है, ये बेचारा अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या हो गया, एक दो तीन त्रिपल बंध बना कि नहीं बताइए, बन गया है त्रिपल बंध। तो जब त्रिपल बंध यहाँ पे बन गया है तो समझिएगा दो कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है, दो कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है बताओ, मेथ एथ कहलाती है, दो कार्बन की श्रृंखला एथ कहलाती है, एथ हो गया ठीक। पहले हम कार्बन की श्रृंखला को भी गिनेंगे ठीक, दो कार्बन की श्रृंखला एथ हो गई। अब लास्ट में क्या आएगा, कौन सा बंध है, त्रिपल बंध है ना, तो त्रिपल बंध की कंडीशन में वाई एन ई लगा देंगे लास्ट में, बात खत्म। वाई एन क्या हो गया, इथाइन हुआ कि नहीं बताइए, हो गया ना इथाइन। ऐसे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई भी यौगिक आ जाए तो उसका सभी लोग बता देंगे हाँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें चौथा CH3 CH2 यहाँ पे CH3, इसका बताइए क्या होगा, बता दोगे कि नहीं, कितना कार्बन है, एक दो तीन चार, क्या हो गया, चार कार्बन की श्रृंखला ब्यूट कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन होगा, कैसे पता करेंगे कि ब्यूटेन होगा, क्या पता लास्ट में डबल बंद आ जाए, लास्ट में बीच में डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा कि नहीं, बनाना पड़ेगा ना, तो संरचना सूत्र यहाँ पे हम बना लेंगे, बना दीजिए। कार्बन है ना, कार्बन हो गया, देखिए कार्बन कितना बार है, चार बार है, तो सबसे पहले कार्बन ऐसे लंबी श्रृंखला के रूप में बना दीजिए ठीक, एक दो तीन चार कार्बन हो गया ठीक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ठीक। कार्बन को आपस में जोड़ दिए, सबसे पहले सिंगल बंध से जोड़ेंगे ठीक है, जोड़ दिए, जुड़ गया ना यस सर। अब क्या होगा, देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन भाई कितना है, हाइड्रोजन जो है तीन है ना, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है ठीक, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया हाँ, हो गया ना। इसके पास कितना है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पर भी तो ये है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया ना। कितना कार्बन है बताइए, चार, कितना, चार, एक दो तीन चार, बीच में कहीं डबल ट्रिपल बंद आया नहीं, नहीं आया ना, तो जब नहीं आया तो क्या हो जाएगा, चार कार्बन की श्रृंखला ब्यूट, कौन सा बंद है, ठीक, कितना हो गया। अब ये समझ में आया होगा सभी को ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे तत्वों का जो है, बहुत सारे यौगिकों का आईपीएससी नामकरण हम कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते। अब देखिए बात वो अलग है कि अगर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आ गया OHT COOH आ गया, कीटोन आ गया, ये सारी चीजें अगर आ गई तो वहां पे बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप OH है, COOH है, तो उसके लास्ट में क्या आता है, अगर वो भी हमें पता रहेगा तब हम आईपीएससी नामकरण बता देंगे ठीक है। लेकिन बेसिक चीजें आज हमें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि नहीं, क्लियर हो गई ना। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी ठीक। अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ठीक है।